कुलभूषण यादव जो एक इंडियन सिटीज़न हैं, उनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने ईरान के सरहद से अपने उन एजेंट्स के थ्रू गिरफ्तार करवाया जो आईएसआई का एक नेटवर्क है, जो लोगों को क्रॉस करवाते हैं ईरान का बॉर्डर के अरब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो लोग जाते हैं, उन यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो जो इनके ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर जो आईएसआई का नेटवर्क है उसके थ्रू इस कुलभूषण यादव को जो गिरफ़्तार करवा के पाकिस्तान लाया गया, इस सिलसिले में केस चल रहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने, ये केस जो रखा गया। तो मैं समझता हूँ के कुछ बातों को समझना होगा। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी स्टेट आईएसआई, उनका जो इमेज है वो मुकम्मल एक टेररिस्ट, बदमाश और फासिस्ट आर्मी के रूप में सारी दुनिया के सामने है। मसलन अगर ये कोई समझता है कि पाकिस्तान की आर्मी यादव को इंसाफ देगी, तो मैं उसकी वजाहत में पहले भी मैंने की थी, मैं अभी भी गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक केस है, यानी पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आर्मी ने पाकिस्तान की जो यानी सुप्रीम कोर्ट है उसको अंडर प्रेशर करके ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ऐसे केस में फांसी पे चढ़वा दिया जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़रा सा भी मुलव्वस नहीं था। ये वो आर्मी है पाकिस्तान की जिसने असामा बिन लादन को मेहमान बनाकर रखा और पूरी दुनिया को कह रहे थे कि हम जो है वो असामा बिन लादन को जो है ढूंढ रहे हैं, लेकिन अमेरिकन्स ने अपनी इंटेलिजेंस के मार्फत, जब उन क्योंकि अमेरिका को पता था कि ये झूठे हैं, पाकिस्तान झूठा और मक्कार है, पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ये बदमाश हैं, तो असामा बिन लादन की गिरफ्तारी साबित करती है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पहले नंबर के बदमाश और मक्कार हैं।